नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अमृत और ध्यान ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी थोड़ा मैंने कुछ टाइम के बाद निकाला है ब्लॉग। दोस्तों, ये देखो, ये अमृत ध्यान का गेट है, तो ये अब हम गेट से इन हो रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है और ये हम लोग लाइन पे आ रहे हैं। यहाँ पे एंट्री के लिए टिकट की ज़रूरत होती है और यहाँ आके भी ले सकते हैं आप और ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग का जो प्रोसीजर है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी और अंत तक वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, ये हमारी एंट्री हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टोन पे कलर करके रंगोली का डिज़ाइन दिया गया है और इनके बीच में प्लांट भी लगाए हैं और साइड में फ्लावर के प्लांट लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एंट्री का टाइम सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक है और उसके बाद ये 2 फरवरी को खुल गया था और दोस्तों 31 मार्च तक खुला रहेगा। तो जो अमृत उद्यान है, पहले इसको मुगल गार्डन करके भी बुलाते थे। ब्यूटीफुल, ये देखिए बास्केट में मल्टी कलर के फ्लावर लगे हैं और ये इधर पूरे प्लांट से ग्रीनरी कर रखी है इन्होंने। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है और ये बाल वाटिका यानी कि बच्चों का प्लेग्राउंड, तो इसके अंदर बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और खेलने के लिए सभी चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये सामने में ट्री हाउस है। अभी हम चलते हैं ट्यूलिप गार्डन और वहाँ पे मल्टी कलर के ट्यूलिप लगे हैं, जैसे वाइट है, ऑफ वाइट है, पिंक है, येल्लो है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जब भी आएंगी तो वीकेंड पे अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। अति सुंदर अमृत उद्यान और ये काफ़ी अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके ही पास में ये बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई का जो बेस है ये बरगद के पेड़ हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लगाए गए हैं बरगद पेड़। तो इन बरगद के पेड़ों के अंदर अंदर जाके लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। और ये अब बढ़ते हैं हम बोनसाई प्लांट की तरफ। यहाँ पे सारे बोनसाई प्लांट ही हैं और इनका ये है कि ये पॉट में ही हो जाते हैं और इनके जो रूट्स हैं जहाँ पे पॉट है तो उन जगह पे इन्होंने कलरफुल स्टोन रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बहुत वैरायटी के हैं यहाँ पे। तो आप जिधर को भी गुजरेंगे उधर ही आपको अलग अलग वैरायटी के प्लांट दिखेंगे। तो ये था दोस्तों म्यूजिकल गार्डन और इसको हम अलग अलग एंगल से देख सकते थे। तो ये थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और ये ऊपर जा रहे हैं हम, और इसके साइड में एक लेमन का पेड़ है, तो इसमें बहुत सारे लेमन हो रखे हैं। पूरा पेड़ ही इस तरह से भरा हुआ लेमन से कि यहाँ से जितने लोग गुजर रहे हैं सभी अपने कैमरे में इसको कैप्चर करते हुए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों देखें, यहाँ पर पूरी ग्रीनरी है और ये रुद्राक्ष का पेड़ है और बाकी सारे ये फ्लावर्स हैं और वो भी मल्टी कलर के। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि हम जैसे स्वर्ग में पहुँच गए होंगे। तो दोस्तों, दिल्ली में और इतने सारे फ्लावर और इतनी ग्रीनरी मिलना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि आ चल के तुझे मैं ले चलूँ कुछ ऐसे गगन के तले, फूल ही फूल हो जहाँ और उनकी खुशबू ही खुशबू हो वहाँ। तो ये इतना अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे और ये हम फोटोग्राफी करते हुए थोड़ा बहुत ये आगे बढ़े। और बड़े बड़े पेड़ भी हैं बीच में यहाँ पे और उन्होंने जगह जगह पे छोटे मोटे फाउंटेन भी बनाए हैं, तालाब बने हैं थोड़ा सा। और ये सामने जो आपकी नज़र जा रही होगी ये राष्ट्रपति भवन है। तो अभी तो हम इससे काफ़ी दूर हैं लेकिन हम धीरे धीरे उसके नज़दीक जा रहे हैं। तो ये हम राष्ट्रपति भवन के काफ़ी पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे
ये आगे से एक तालाब बना है और तालाब के आगे से सारे फ्लावर पॉट रखे गए हैं, मल्टी मल्टी कलर के फ्लावर हैं। और ये फोटोग्राफी करते हुए हम, और ये एंट्रेंस गेट है राष्ट्रपति भवन का, और ये सारी रंगोली बनी है। तो ये सारी रंगोली जो बनी है फ्लावर से ही बनी हुई है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये राष्ट्रपति भवन के ही बगल में एक ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड की ग्रीनरी देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है। और इसके बीच में एक फ्लावर से ही कारपेट बनाया गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और ये सारे फ्लावर से ही बना हुआ है। और ये हम हैंगिंग गार्डन की तरफ आगे बढ़ते हुए हैं, तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर पॉट लगेंगे सारे हैंग कर रखे हैं, और सारे ही पॉट में मल्टी कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हुए ये कुछ फोटोग्राफी करते हुए यहाँ के, और इसके ही साइड में रोज़ गार्डन बना हुआ है, जिसमें कि अलग अलग कलर के रोज़ का उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ पे ये सर्कल में बना हुआ है और इसके बीच में फाउंटेन बना है, और ये सर्कल में ये सारी भीड़ जितने भी लोग हैं ये सारे सर्कल में यहीं से एग्जिट हो जाएंगे। तो इनके साइडों में सब में फ्लावर हैं, यहाँ पूरा बाउंड्री बनी हुई है फ्लावर की। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, येल्लो ऑरेंज कलर के फ्लावर हैं। और इसी सर्कल के साइड में ये फ्लावर हैं, तो हम इनको टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सभी को। ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि इनको टच करके देखें हम थोड़ा सा। और ये इस गार्डन की शोभा बढ़ाता हुआ मोर, तो यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहा है ये भी। और ये है कैक्टस गार्डन, तो यहाँ पे टोटली कैक्टस ही हैं। तो ये दोस्तों यहाँ का लास्ट गार्डन है, और यहाँ पे भी बास्केट में फ्लावर रखे हुए हैं, और इसके साइड में ये घड़ी के शेप में फ्लावर के छोटे छोटे प्लांट लगाए गए हैं। और ये फिर से इन्होंने मार्बल पे कलर करके रंगोली बनाई हुई है। और अभी हम घूमते घूमते, हमको काफ़ी भूख लग गई है, करीब हमको 1.5 से 2 घंटे लग गए होंगे इसके अंदर घूमने का। तो अभी हम खाने का कुछ ढूंढने जा रहे हैं। और ये यहाँ का मेन्यू है जिसमें कि वेज बिरयानी है और पाव भाजी है, और सारा रेट यहाँ पे जो भी है वो अफोर्डेबल है। बाहर हो रहे हैं गेट से, और यहाँ पे एग्जिट गेट है, इसके बाद बाहर कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। ये आ गए हैं एग्जिट गेट, और हम एग्जिट हो गए हैं अपनी। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ऑनलाइन टिकट बुक कराने का प्रोसीजर बताऊंगी, तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अमृत उद्यान टिकट, और उसमें जो सबसे पहले वाली वेबसाइट होगी उसको क्लिक करना है। और ये वेबसाइट खुल गई है, और अभी आप बुक नाउ पे क्लिक करना है आपको। अब आपको डेट और स्लॉट सेलेक्ट करना है अपने टाइम के हिसाब से। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, और डिटेल भरने के बाद आपका टिकट तो फ्री होगा, और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। टिकट फ्री तो है, लेकिन टिकट होना बहुत ज़रूरी है, इसी टिकट से आपको एंट्री मिलेगी इसके अंदर जाने की। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, और उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, और ये टिकट ऐसे दिखेगा जैसे ये आपको दिख रहा है। दोस्तों ये था अमृत गार्डन व्लॉग, व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरह के वीडियो के साथ आपको एंटरटेन करते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।